नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्येक एक माने में पढ़ने जा रहे हैं। संधि हमने पढ़ ली, माहेश्वरी सूत्री कर लिए, वर्ण विचार कर लिए, ये सारे के सारे व्याकरण है वो हम कर चुके हैं। आज हम जो प्रत्यय ज्ञान है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यय क्या चीज होती है, इसकी परिभाषा लिखी हुई देखो। प्रत्यय एक शब्दांश मात्र होता है। प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश मात्र होता है, अर्थात ऐसे शब्दांश, क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी विभक्ति रहित, विभक्ति रहित मूल शब्द धातु के अंत में जोड़ जाते हैं। प्रत्यय कहां लगता है, अंत में जोड़ जाते हैं। यानी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मूल शब्द और धातु के अंत में जोड़ जाते हैं। पहले मूल शब्द आता है, उसके बाद में धातु आती है। अब एक चीज जोड़ लें हम कि जो मूल शब्द है उससे पहले, या धातु या मूल शब्द है उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले क्या आएगा, तो उससे पहले आएगा आपका उपसर्ग। पहले उपसर्ग लगता है, उसके बाद में धातु या क्या लगती है, मूल शब्द आता है, और उसके बाद में अंत में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। क्लियर, कि क्या ऐसे शब्दांश जो किसी विभक्ति रहित मूल शब्द धातु के अंत में जोड़ जाते हैं, उपसर्ग उपसर्ग धातु या मूल शब्द और उसके बाद में प्रत्यय जोड़ जाते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। यानी वह शब्द जो शब्दांश के अंत में जुड़ता है, मूल शब्द या धातु के बाद में जुड़ता है, यानी अंत में जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। विभक्ति रहित मूल शब्द को, विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत में प्रकृति कहा जाता है। विभक्ति मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीय कोई विभक्ति नहीं होती है, तो उसे उस मूल शब्द को क्या कहा जाता है, संस्कृत में प्रकृति कहा जाता है। अब प्रकृति को संस्कृत में दो प्रकार बताया गया, एक तो होता है प्रतिपादिक, पहले तो होता है प्रतिपादिक, और दूसरी होती है धातु। संस्कृत में जो प्रकृति होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं। आपके प्रश्न आएगा परीक्षा में तो क्या बोलेंगे, इसमें प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो प्रकृति इसकी दो प्रकार की होती है, पहली तो है प्रतिपादिक और दूसरी होती है धातु। अब प्रत्यय के भेद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, वैसे प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको तीन भागों में बांटा गया है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब देखेंगे हम कृत प्रत्यय क्या होता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु यानी क्रिया के बाद किया जाता है, मतलब जिन प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया या धातु के बाद, क्रिया यानी धातु के बाद किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग है किसके बाद में किया जाता है, धातु के बाद किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय जैसे क्री प्लस तव्यत लिख दिया, ये क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु यानी क्रिया है, सुक्रिय बोल सकते हैं, या यानी यहां धातु है, तो इसमें अगर तव्यत प्रत्यय, अब जो अपना कृत प्रत्यय है इसके अंदर हम इसको माने, तो इसके अंदर कृत प्रत्यय के अंदर स्त्री प्रत्यय आता है, सानत प्रत्यय आता है, अनियर प्रत्यय आता है, तव्यत प्रत्यय आता है, ये जो प्रत्यय हैं इसके अंदर आते हैं, कृत प्रत्यय के अंदर आते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के बाद में किया जाता है। अब इसमें मिलाया जाता है, देखो क्री के क्री प्लस यहां पर तव्यत प्रत्यय, क्री में अगर तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, कर्तव्यम, शब्द बन गया कर्तव्यम। मतलब जो धातु है यानी ये क्रिया है, क्रिया या धातु है, इसके बाद में हम प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यहां पर कर्तव्यम। आपके प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, क्री प्लस तव्यत इसका जो 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 शब्द है वो बनाइए, प्रकृति प्रत्यय, ये भी आ सकता है कर्तव्यम इसमें प्रकृति प्रत्यय बताइए, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको लिखना है क्री इसके अंदर धातु है और तव्यत इसमें प्रत्यय, क्री प्लस है तव्यत, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका, पठ प्लस अनियर है, पठ प्लस है अनियर है, पठ धातु है, यहां पर धातु कौन सी है, पठ यानी ये क्रिया, तो अब इसके अंदर क्या बताया है, अनियर, अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय है, तो इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा इसका, पठनियम, शब्द क्या बन गया, पठनियम, इसमें धातु हो गई पठ है और प्रत्यय कौन सा हो गया, अनियर प्रत्यय, पठ धातु के साथ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग यहां पर हुआ है, पठ प्लस अनियर, ठीक है। मतलब जो अपना जो कृत प्रत्यय है इसका मतलब क्या होता है, इस प्रत्यय के अंदर क्या होता है कि जो धातु या क्रिया के बाद में लगता है,
धातु या क्रिया के बाद में लगता है तो इसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, सत्री प्रत्यय आते हैं, सानच प्रत्यय आता है, और जो अपना तव्यत प्रत्यय आता है, अनियर प्रत्यय आता है, ये जो प्रत्यय है, एक उक्तिन प्रत्यय आता है, ये जो प्रत्यय है इसके अंदर कहते हैं आते हैं, ठीक है। तय प्रत्यय आता है, तत्वतु प्रत्यय। लेकिन अब जो ये प्रत्यय आए हैं इनको हम आगे आगे पढ़ेंगे, अगले जो वीडियो में पढ़ते जाएंगे। अब दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग, इसके बारे में बता रहा है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है। मतलब तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद में किया जाता है। कृत का मतलब मूल शब्द या धातु के, जो धातु है, धातु और क्रिया के बाद में किया जाता है, और इसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के बारे में बताता है, तो वो क्या होती है, संज्ञा। जैसे किसी का नाम आ गया तो ये क्या है, संज्ञा। तो इसके बाद में अगर किया जाता है तो उसमें इसका मतलब क्या होता है, ये तद्धित प्रत्यय होता है। अब शिव यहां पर क्या बताया गया है, शिव यहां पर एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है या भगवान शिव का नाम है, तो इसके बाद में अण प्रत्यय लगाते हैं। इसके अंदर कृत प्रत्यय आते हैं, देखिए तद्धित प्रत्यय के अंदर आते हैं, अण प्रत्यय आता है, मतु प्रत्यय आता है, और त्वर प्रत्यय आता है, तल प्रत्यय आता है, ये इसके अंदर आता है, इन्नी प्रत्यय आता है, ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब शिव के बाद में अण प्रत्यय लगाते हैं तो इसमें एक शब्द क्या बनता है, शिव, शिव। शिव के बाद में अगर ये अण प्रत्यय लगाते हैं तो अण प्रत्यय लगते ही शिव का सेव है ये बन जाएगा। इसमें शिव तो है प्रकृति, यानी इसका जो धातु है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर के अंतर्गत क्या हो जाएगी, शिव तो है। शिव के बाद में ये क्या है, ये अण प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे शब्द भी आ सकता है और इस प्रकार से भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ये क्या है, ये एक संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगता है तो वो कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय बोला जाता है उसको। जैसे धन प्लस मधुप है तो धन के साथ में अगर मधुप प्रत्यय लगाते हैं तो ये धनवान हो गया। शब्द क्या बनेगा, धनवान। धन के साथ में अगर मधुप प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, धनवान हो जाता है। शब्द क्या बन गया, धनवान। अब इस प्रकार से आए तो धन प्लस आप मधुप कर देना, ठीक है। अब तीसरा प्रत्यय देखते हैं, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय यानी इसका मतलब क्या होता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग है उसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये स्त्री प्रत्यय होता है। पुल्लिंग को किसमें बदलते हैं, स्त्रीलिंग में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा प्रत्यय हो गया, स्त्री प्रत्यय। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, देखिए कुमार प्लस नीप प्रत्यय, इसमें नीप है और ये कुमार है, कुमार का मतलब क्या होता है, पुल्लिंग। प्लस सुरेश कुमार, रमेश कुमार, कुमार आता है, इसका मतलब क्या है, ये पुल्लिंग है। अब यहां पर कुमारी हो गया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया ना, तो कुमार के साथ में अगर नीप प्रत्यय लगाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, कुमार का क्या हो जाएगा, कुमारी। शब्द क्या बन गया, ये कुमारी। कुमार जो प्रत्यय है, जो अपना जो मूल शब्द है, तो इसका जो पुल्लिंग है इसको हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो इसके साथ में नीप प्रत्यय लगाते हैं। नीप प्रत्यय लगाते ही ये कुमार का क्या हो जाएगा, कुमारी हो जाएगा। इसी प्रकार से अज प्लस टाप है, अज जो मूल शब्द है इसके साथ में अगर हम टाप लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अज का क्या बन जाएगा, अजा। अज जो मूल शब्द है इसके साथ में अगर टाप प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अजा बन जाएगा। तो स्त्री प्रत्यय है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, नीप और टाप, ये प्रत्यय इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इसका मूल क्या है, जो शब्द शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय। मतलब पहले उपसर्ग आता है, फिर धातु या धातु आती है, और उसके बाद में क्या आता है, प्रत्यय लगता है। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। तो आपके प्रश्न कैसे आता है, प्रकृति प्रत्यय बताइए। पहले उपसर्ग हो तो उपसर्ग बता देते हैं, उपसर्ग 22 उपसर्ग मैंने पहले बता चुका हूं आपको, 22 उपसर्ग होते हैं, उसके बाद में धातु लगते हैं और उसके बाद में ये प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय इन तीन प्रकार के बताए, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो अब जो शब्द शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब इनको हम तीन भागों में बांटा है इनको हम, तो ये कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो इनको हम, कृत का मतलब क्या होता है, कृत का मतलब होता है जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के बाद में किया जाता है, इसका मतलब क्या है, कृत प्रत्यय है।
संज्ञा और सर्वनाम के बाद में किया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये तद्धित प्रत्यय है। तीसरा है पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये स्त्री प्रत्यय है। तो अब आगे हम एक या दो दो प्रत्यय इस प्रकार से हम करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना काफी। धन्यवाद, नमस्कार।